जी डॉक्टर लिस्किस, बच्चों की बात हो गई तो अब मैं करूंगी बुजुर्गों की बात. हाँ. उनकी बात जो दर्दों में पड़े रहते हैं, उनकी बात जिनके नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ गई है और एज फैक्टर की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा. कुछ ऐसे मजबूरियां होती, कुछ पैसों की वजह से, कुछ एज फैक्टर की वजह से. तो कुछ बच्चे टाइम भी नहीं निकालते, डॉक्टर के पास ही नहीं ले जा रहे होते, दर्द बर्दाश्त किए जा रहे होते हैं. कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो दर्द से तड़पते ही रहते हैं बेचारे. तो अब आपको जो है घर में मैं एक ऐसा अमेजिंग और इतना रिजल्ट इसका इतना अच्छा है, आप दो दफा लगाएं, तीसरी दफा में ही आपको फर्क महसूस होगा. अच्छा. हाँ, जी बिल्कुल. क्या है ये? ये खोए का लेप है. खोए का लेप? लेप, ठीक है. और ये घुटनों पे, बॉडी बॉडी जॉइंट, स्पेशली ये घुटनों के लिए, स्पेशली घुटनों के, जिनमें से टक टक की आवाजें आती हैं या हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके नसें खिंच जाती हैं, आप बहुत मुश्किल में होते हैं और चल नहीं पाते. तो आप ये लगाएं, दो दिन मेरे कहने पे लगाए, तीसरे दिन आप लगाएंगे और 15 दिन में अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फर्क पड़ेगा. उसके बाद हफ्ते में 1 से 2 बार ये लगाया करें, ठीक है. और आपका खोया जो वो रीयूज भी हो सकता है. अच्छा. इसके लिए आपने करना क्या है, सरसों का तेल लेना है 2 चम्मच, ठीक है. और इसमें आपने डालना है भर कर, जैसे 2 चम्मच सरसों का तेल है तो 2 चम्मच ही हल्दी हमें डालनी है. 2 चम्मच हल्दी, सही है, ठीक है. इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ठीक. हाँ. किया? हाँ. अच्छा, ये चीज मैं कर रही हूँ चूल्हे पे और मेरा तेल था गरम. अब ये गरम तेल, अब उसके बाद क्या करना है, चूल्हे को बंद करना. बंद करने के बाद इसमें डालना है 1 पूरा अंडा, ठीक है. फेटा हुआ नहीं, ऐसे ही, मतलब के. अच्छा. और इसको जल्दी से मिला लें, ठीक है. सही है. हाँ. ये मिक्स कर लिया. मिक्स करने के बाद अंडा इसमें मिक्स हो गया. अब आपने लिया खोया और एक कपड़ा लिया, जैसे मैंने यहाँ कपड़ा रखा है, ठीक है. ठीक है. खोया रखा. हाँ. हम बना रहे हैं, देखिए खोया की क्वांटिटी देखिए कितनी है. हाँ. इसको फैला दे. अच्छा. बस हमें ना लेप के लिए वो जितना घुटने पे लग जाए आगे पीछे. अच्छा, क्या समझ ले कि मेरी कोहनी ही घुटना है. हाँ. यहाँ तो करना ही करना है, मगर यहाँ भी आगे पीछे पूरा लगाना. ये पूरा हिस्से पे लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर लगा दिया, ये इस पीछे वाले हिस्से को छोड़ दिया, ये नहीं करना. आपने पूरे पे लगाना है. अच्छी तरह लगाया. देखिए ये मैंने, अब दोबारा बताएं उसमें क्या क्या चीजें डाली थी आपने. सबसे पहले 2 चम्मच डाला था सरसों का तेल, 2 चम्मच भरकर चोट हल्दी, हल्दी आंबा हल्दी जिसे कहते हैं, और 1 अंडा. अंडा जब मैंने डाला मैंने चूल्हा बंद कर दिया. ये वो लेप है जो आप लोगों को बताया नहीं जाता और बहुत महंगे महंगे, जैसे पहलवानों वगैरह के पास जाते वो भी तकरीबन यही लेप लगाते हैं जिससे हड्डियां बिठाते हैं वो, ठीक है. ये मैंने खोया रखा. हाँ. ठीक है. अब इस लेप को मैं इस पे फैला दूंगी. अच्छा, खोए के ऊपर? जी, खोए के ऊपर. तो गरम गरम फैलाना है? जी, ठंडा करने की जरूरत नहीं. अच्छा, ये देखें. और लगाना ऐसा है कि लाइक थोड़ा गरम ही लगाए ना, काबले बर्दाश्त गरम. अच्छा. अगर सूजन है घुटने पे तो गरम चीज नहीं लगाई जा सकती, तो थोड़ा ठंडा करके, ठीक है. जैसे ये हो गया, ये आपका लेप तैयार हो गया. अब आपका इफेक्टेड एरिया पे आप इसको लगाएं, 2 घंटे के लिए लगा कर छोड़ दें. उसके बाद इसको उतार दें. घुटना दिखा नहीं सकते, वरना मैं लगा के दिखाती, ठीक है. मैं, हाँ. तो इसको लगा कर आप छोड़ दें. अच्छा, अब ये वाला जो लेप है ये आपने तो उतार दिया. अच्छा, दूसरी दफा ये आपका खोया काम आएगा. 1 खोया आप 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं. ऊपर का लेप आप दोबारा बनाएं, दोबारा इस पे डालें, ऊपर इसको हटा दें, दोबारा डालें और दोबारा लगा लें, और इसको पूरा जो है घुटने पे लगा कर एक से. अच्छा, आप ये वाला मलमल के कपड़े के ऊपर अगर दर्द शिद्दत से है तो क्रैप बैंडेज जो आता है वो बांध दें. वो बांध दें 2 घंटे के लिए, रोजाना बांध के रखें. पहला ही लेप आपको फर्क डालेगा. टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं आपको एक वाकया बताती. अभी मेरी एक पेशेंट थी, उसको इतना शदीद दर्द था, 1.5 लाख तक के उसने वो करवा लिए थे अपना हर इन्वेस्टिगेशन, मगर उसके घुटने मुड़ रहे थे, खुल नहीं रहे थे. इसी लेप से 3rd दिन उसने अपने घर वालों के लिए चाय उठ के बनाई. इसीलिए मैंने कहा मैं आप लोग को भी बताऊं, मैं बताती रहती हूं, लेकिन इसके बहुत फायदे. हाँ. करके देखिएगा, जरूर कीजिएगा, क्योंकि घुटनों की प्रॉब्लम तो शदीद होती है. मुझे भी 1 आध दफा हो चुकी, जब सिला पैदा होने वाली थी मेरे घुटने इतने सिवियर जैम हो गए थे ना,
वो कमजोरी की वजह से होता है, मतलब कि हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, घिस जाती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं और उसका लोआब खत्म हो जाता है। एक चीज नहीं होती, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये हर उम्र के लिए, बुजुर्ग हो, जवान हो, जी सबके लिए। और बच्चे कहाँ से कौन सी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत घुटनों की प्रॉब्लम रहती है, जरा इसका कोई ऐसा नहीं, हर उम्र के बच्चे बिल्कुल लगा सकते हैं, जिनको दर्द। खोया लिया अलग से, खोया स्प्रेड कर लिया, फिर आपने उसके अंदर आंबा हल्दी डाली, सरसों का तेल डाला, एक अंडा डाला, और अंडा डालते ही आपने चूल्हा बंद कर दिया, इसकी लेप बना के आपने खोए के ऊपर डाली, और जब थोड़ा सा ऐसे मतलब इतना गर्म हो के वो बर्दाश्त करने के काबिल हो, ये लेप लगेगा। जी जनाब, जरूर बनाएगा अपने घर में।